प्रधानमंत्री ने वोट डालने के बाद क्या कहा है वो सुन लेते हैं। भाई इस गर्मी में आप लोग दिन रात दौड़ कर रहे हैं, आप अपने स्वास्थ्य की भी चिंता कीजिए, और क्योंकि चुनाव के दिनों में पत्रकार साथियों को दिन रात दौड़ना पड़ता है और आज मीडिया की कंपटीशन भी इतनी है कि आपको समय से आगे दौड़ना पड़ता है। मैं तो यही प्रार्थना करूंगा आप सब पुराने साथियों को कि अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखें, और मैं हमेशा कहता हूं कि पानी बहुत पीना चाहिए। जितना ज्यादा पानी पिएंगे तो आपको बहुत स्वास्थ्य के लिए भी ठीक रहेगा और एनर्जी भी मेंटेन रहती है। आज तीसरे चरण का मतदान है, मैं देशवासियों को विशेष रूप से आग्रह करूंगा कि लोकतंत्र में मतदान एक सामान्य दान नहीं है। हमारे देश में दान का एक महत्व है, और उसी भाव से देशवासी ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। आज तीसरे चरण का मतदान है, अभी और करीब करीब 3 सप्ताह चुनाव अभियान चलेगा, 4 मतदान के दौर आगे भी हैं। मेरा गुजरात में मतदान के नाते यही एक जगह है जहां मैं रेगुलर मतदान करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। मतदान करने के बाद लोगों से वो अपील करते हुए कि इस मतदान के दिन को उत्सव के रूप में सेलिब्रेट करें। और शरद पवार बारामती में पहुंचे हुए हैं मतदान करने के लिए। विद्या हमारे सहयोगी मौजूद हैं, अपनी उनकी बेटी वहीं से चुनावी उम्मीदवार है। विद्या बातचीत कीजिए, क्या है माहौल? जी देखिए, इसी यही बारामती से सुप्रिया सुले जो मौजूदा एमपी हैं वो खुद यहां से खड़ी हैं, और इस वक्त शरद पवार यहां पे अपना कीमती वोट देने के लिए यहां पहुंचे हैं। ये मालेगांव की एक लोकैलिटी है जो कि नाम की एक जो मालेगांव लोकैलिटी है उसके अंदर ये यहां पर एक पोलिंग बूथ है जहां पर वो वोट करने के लिए अभी इस वक्त 83-year-old शरद पवार इस वक्त पहुंचे हैं। कल उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, उनका गला बैठ गया था और गले में दर्द था जिसकी वजह से वो कुछ रैलीज उन्होंने कैंसिल की थी, लेकिन इस वक्त देख लीजिए वो वोटिंग करने के लिए पहुंच गए हैं यहां पर और जा रहे हैं अपना कीमती वोट यहां सुप्रिया सुले के पक्ष में वो जरूर यहां पर देंगे। इस वक्त आप देख लीजिए सुप्रिया सुले अपने पिता को आगे ले जाते हुए धीरे धीरे, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ है, चारों तरफ से लोगों ने घेर रखा है। पुलिसकर्मी कोशिश कर रहे हैं कि सपोर्टर्स को थोड़ा सा दूर रखा जाए, लेकिन फिलहाल कोशिश पूरी यही है कि पोलिंग बूथ तक पहुंच के पोलिंग हो जाए और उसके बाद वो लोग यहां से निकल के, क्योंकि सुप्रिया सुले का जो पोलिंग बूथ है वो थोड़ी दूर आगे है, तकरीबन आधा घंटे की दूरी पर है, तो वहां जाके सुप्रिया सुले को भी वहां वोटिंग करनी है। इस वक्त शरद पवार देख लीजिए लाइन में लगे हैं, लाइन में इस वक्त वो अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं और सुप्रिया सुले अपनी पिता को यहां तक लेके आई हैं, और साथ ही जो पिता है वो शरद पवार देख लीजिए काफी काफी लोगों से बातचीत कर रहे हैं, काफी खुश नजर आ रहे हैं। वोटिंग की इनकी पूरी उम्मीद है कि अभी इस वक्त सुप्रिया सुले उनकी बेटी के पक्ष में यहाँ पर तुतारी पर लोग जरूर वोट करेंगे, ऐसा इन्हें जरूर लग रहा है। शरद पवार महाराष्ट्र के बड़े नेता हैं, जिस बारामती में वो वोट डालने के लिए पहुंचे हैं, पहली बार कांग्रेस के टिकट पर 1984 में यहीं से उन्होंने चुनावी जीत हासिल की थी। उसके बाद उनके परिवार से 1991 में अजीत पवार, जिनकी पत्नी इस बार मुश्किलें खड़ी कर रही हैं इस समय सुप्रिया के लिए, वो 1991 में अजीत पवार जीते थे। फिर बाई इलेक्शन होता है, फिर शरद पवार जीतते हैं कांग्रेस पार्टी के टिकट पर। उसके बाद इसी जगह से 1996, 1998, 1999 और 2004 में
शरद पवार जीत हासिल करते हैं। 2009 से लेकर 2009, 2014, 2019 सुप्रिया यहां से लगातार जीतती हुई चली आ रही हैं, यानी कि जीत की हैट्रिक लगा चुकी हैं। अब जीत का चौका लगाने के लिए चुनावी मैदान में हैं, लेकिन यहां पर सुनेत्रा अजीत पवार उनके सामने कितनी बड़ी चुनौती बनी हुई है इस वक्त। विद्या, इस वक्त यहाँ पे बारामती की जो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें फिलहाल कई सारे जो वोटर्स हैं वो लगातार तकरीबन 7 बजे से ही आ रहे थे, लेकिन इस वक्त सुप्रिया सुले और शरद पवार यहाँ पहुंचे हैं, वो फिलहाल अपना वोट देंगे। लेकिन सुप्रिया सुले यहाँ वोट नहीं देंगे, उनका वोटिंग जो पोलिंग बूथ है वो आगे कहीं और दूसरी जगह पर है, लेकिन फिलहाल शरद पवार यहाँ से वोट देंगे। और कई सारे लोगों से जब हमने बात की, उन लोग का सभी का यही कहना था कि एक बहुत असमंजस की स्थिति है, क्योंकि पूरा जो परिवार है अभी तक आप समझ लीजिए 1985 से लेकर सिर्फ और सिर्फ लोगों को या तो पवार परिवार के कोई सदस्य या फिर किसी और के बीच में उनको निर्णय लेना था, लेकिन ये पहली बार है कि पवार परिवार के बीच के ही दो सदस्यों के बीच में अब जो जनता है उन्हें वोट करना है। और यही वजह है कि एक असमंजस की स्थिति जरूर है, लेकिन कई सारे वोटर किसको वोट करना है। बिल्कुल, और कई सारे लोग जल्दी से इस पर 40% बीजेपी का वोट शेयर पिछली बार रहा था और 12% ज्यादा 52% सुप्रिया सुले का, इस बार कितनी बड़ी चुनौती उनके सामने बारामती में। 2019 से अगर तुलना करें तो चुनौती तो इस बार बड़ी दिखाई पड़ती है, क्योंकि हम सबको पता है कि पवार एनसीपी में ही बंटवारा है और एक तरह से ये कह सकते हैं कि परिवार के बीच की लड़ाई है।